ये प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज एक है या प्रैक्टिस सेट नंबर एक बोलिए, और इसमें मैथ के क्वेश्चन है जो शुरुआत में 1 से लेकर 40 था, जिसको मैंने एक दूसरे वीडियो में बहुत ही डिटेल मैनर में सॉल्व कर दिया है। उसको आप नीचे दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। अच्छे से पूरे के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में मैं GS पार्ट जो जो 41 से लेकर 120 तक क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करूंगा बहुत ही डिटेल मैनर में, जिस तरह से मैथ का सॉल्व किया है। जितना एक्सप्लेन हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का तो सही जवाब है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से तो देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। भले ही नाम तो आपको थोड़ा लगेगा निकट दृष्टि दोष, तो दिख रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, पर निकट में दृष्टि दोष नहीं है, दूर की दृष्टि में दोष है। मतलब दूर की आप वस्तुएं नहीं देख पाते इस वाले में, है ना, मायोपिया में दूर की वस्तु आप नहीं देख सकते हैं, नज़दीक की देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, आँख की पुतली जो होती है ना, आई बॉल का आकार थोड़ा बदल जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बन जाता है। मतलब ये जो आँख है आपका, मान लीजिए ऐसे आँख है, तो ये जो रेटिना है यहाँ पे, इससे पहले ही बन जाएगा, है ना, यहीं पे इमेज बन जाएगा, पर बनना चाहिए था रेटिना पर, रेटिना पे बनना चाहिए था जो कि रेटिना पे होता है, तो इस पे बनने के बजाय आगे बन जाता है। तो हम लेंस की हेल्प से इसको इमेज जो आगे बनना है इसको अब यहाँ तक ले जाते हैं। तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ निकट हो गया ना, तो ये जो दोष आ गया ना निकट दृष्टि दोष, यहाँ के रिस्पेक्ट में बोल इस तरह से बोल सकते हैं, निकट दोषी दोष बनना चाहिए रेटिना पे, बन रहा है आपके आगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो इसका आंसर आपने एग्जैक्ट होता है 9.8 न्यूटन, है ना। जैसे देख सकते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू जी होता है, एम जब 1 ले लीजिएगा तो जी जो कि 9.8 आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आता है 9.18 न्यूटन, ये आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, या एकदम डिटेल मैंने में ऐसे निकलता है एफ का फोर्स का गुरुत्वाकर्षण बल्स का फोर्स का फॉर्मूला आता है gm m/r2। इसमें मास ऑफ अर्थ है, जी एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण एक नॉर्मल कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है, और ये एम मास होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए और ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब एक मतलब यही है, प्रत्येक किलोग्राम मतलब f/m आपको निकालना है, ये हो जाएगा gm/r2। इसमें सभी वैल्यू को पुट करने से ना आपका 9.8 न्यूटन आता, मतलब ऑप्शन में अगर 9.8 न्यूटन होता तो वो ज़्यादा सही होता, ना कि 10 न्यूटन सही होता, 9.8 न्यूटन ज़्यादा सही आंसर। तो इसका आंसर बी है, 42 का बी। 43वां क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ये तो आपने देखा है रेनबो रेनबो बनते हुए 7 रंग होते हैं। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो मतलब DC हो या AC हो? तो DC या AC को आप एमीमीटर से नाप सकते हैं, है ना, एमीमीटर। पैतालीसवां क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में पैतालीसवां क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विद्वांतर के मापन के लिए होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किससे से नाप सकते हैं? तो उसके लिए आपके होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट से पता ही है, वोल्ट वोल्टेज होता है, वोल्टेज वोल्टेज भी से डोनेट करते हैं, तो वोल्ट उसी उन्हीं के नाम पर वोल्ट मीटर है। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ये भी एक करेंट को नापता है, छोटा मोटा वैल्यू, और ये मेनली ये 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में नापता, मतलब गैल्वेनोमीटर एमीमीटर नापता, तो वोल्ट मीटर आपका मेनली आपका ये नापता है, वोल्टेज को नापता, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी का, उसको नापेगा वोल्ट मीटर।
छियालीसवां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग। इस क्वेश्चन में एक चीज था, बोलोमीटर था। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नापता है, मतलब जो आदमी आपके शरीर से जो सब निकल रहा है ना, उसको मतलब इसमें थर्मल इमेजिंग होता है, तो उसका देख के ना ये नाप सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेसिकली नापता है ये। आप बोलेगा बोलोमीटर किसको नापता है, रेडिएशन को नापता है, ठीक ना। बोलोमीटर और एमीमीटर पता ही है, गैल्वेमीटर बता दिया। तो 46वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तिरंग दैर्ध्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन से रंग को तरंग दैर्ध्य अवशोषित की जाती है। मतलब सूर्य का प्रकाश ना समुद्र में अवशोषित हो जाता है कुछ रंग उसके, वो होता है आपका लाल, लाल लाल दे रखा है यहाँ पे, पीला होता है और हरा होता है। मिल यही तीन रंग होते हैं जो अवशोषित हो जाते हैं उसके अंदर में, पानी में, समुद्र में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन पीला हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए ये जो काला काला भाग है ना, वो कॉर्निया है आपका, उसके ऊपर एक है और फिर ऐसे आँख है आपका। तो काला काला भाग के जो बगल में होता है ना, वो उसको आयरिस बोला जाता है, और यही आयरिस आपका नियंत्रण करता है प्रकाश कितना अंदर में जाएगा आपके आँख के अंदर में, वो नियंत्रित करता है। कौन? यही आयरिस, यही आयरिस। और ये जो हरा मतलब हरा तो नॉर्मल नहीं, नीली आंखें जो बोलते हैं ना, यही होता है नीली आंखें, मतलब इसी का कलर अलग अलग हो जाता है। तो किसी की नीली आंखें बोलते हैं, किसी की काली आंखें, बीच वाला तो सबका काला होता है, साइड में सबका अलग हो जाता है, किसी का नीला हो जाता है, तो आयरिस नीला होता है। आयरिस है ना, कलर्ड पार्ट ऑफ आई जो होता है ना, कलर जो पार्ट होता है आई का, वो आयरिस होता है। 48वां क्वेश्चन है, कोयले का जलना एक कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए तो ये संयोजन होगा, क्योंकि इसमें मिक्स होता है, मतलब इसमें मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, कार्बन मिलता है ऑक्सीजन से और बनाता है CO2, ठीक ना। तो कोयला का जलना संयोजन है इसमें। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। अजवाइन का पत्ता जो होता है ना, ये कोई नहीं है, ये एसिड और बेसिक जानने के लिए नहीं होता। लाल गोभी के पत्ते इससे जान सकते हैं, जेरेनियम के फूल से जान सकते हैं, पेटूनियम के फूल से जान सकते हैं। 50वां क्वेश्चन है, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस प्लास्टिक के कोटिंग पर क्या मिलाया जाता है। तो वो मिलाया जाता है आपका मेलामाइन, जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, और ये प्रोटीन की तरह होता है ना, प्रोटीन मतलब कौन सा एलिमेंट है इसमें जो प्रोटीन की तरह होता है, मतलब मेलामाइन होता है ना, प्रोटीन की तरह होता है, प्रोटीन वही खाने वाला प्रोटीन की तरह, और इसमें नाइट्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 51वां क्वेश्चन, ऐसी सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो हाइड्रोजन निकलेगा। एसिड जैसे मान लीजिए HCl ले लीजिए और उसमें L लगा दीजिए, अल्मोनियम धातु वाला लगा दीजिए, तो क्या बनेगा, Al2Cl3 प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा गैस, तो हाइड्रोजन निकलेगा आपको। 51 का आंसर सी। 52वां है क्वेश्चन, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो होता है पांचम, पांचवा अवस्था को बोला जाता है बोस आइंस्टीन। उसके अलावा मतलब चार टोटल पांच कौन कौन से हो गए, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और एक होता है प्लाज्मा, है ना, जिसमें पार्टिकल जो है ना आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज मतलब कि आयोडीन है, मतलब आयोडीन तो नहीं, नॉर्मली अल्मोनियम है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो प्लस हो जाएगा, एल प्लस हो जाता है, आयोनाइज फॉर्म में होता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब इन सभी में जितना भी है ना, पांचों पांचों तत्व में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा के अंदर एनर्जी होती है। 53वां क्वेश्चन है, मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर समझिए एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये प्लाज्मा की हेल्प से हम सेमीकंडक्टर जो होता है ना, आप जो चिप 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 बोलते हैं, उसमें भी इस तकनीक से हम बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे, जो अब कितना छोटा छोटा चिप होता है, उस लेवल पे इस प्लाज्मा को यूज़ करते हैं डोपिंग करने के लिए, मतलब सामान को डालने के लिए। इसको मैं अभी और दूसरे में क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा। 53वां क्वेश्चन है, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक सम स्थानिक होते हैं, तो ये तीन हो जाएगा आंसर, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। उसके अलावा भी आजकल बहुत सारे हो गए हैं प्राकृतिक, मतलब ग्रेफीन हो गया है और नैनो ट्यूब हो गया, कार्बन नैनो ट्यूब CNT बोला जाता है, बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत यूज़फुल है ये कार्बन नैनो ट्यूब,
ये सब हो रखा है, पर 3 मिल लिया। 24वां क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, जिसमें ना एक हो कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हो, सिंगल बॉन्ड से, तो अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त में होता है आपका, असंतृप्त में होता है अल्कीन और अल्काइन, है ना, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, दो या तीन कार्बन बॉन्ड जिसमें होता है ना, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है उसको। 55वां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का आवनिक सूत्र कहा, तो ये CaO जो है ना, ये है उसका सूत्र। छप्पनवा क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय में से स्राव प्राप्त करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग अग्नाशय से, मतलब पैनक्रियास से और लीवर से स्राव प्राप्त है? तो ये होता है छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है, वो वहाँ आता है, लीवर और पैनक्रियास से आपको कुछ मिलता है सामान। तो अग्नाशय होता है ना, पेट के पीछे के अंग होता है, ये इंजाइम बनाता है और ये हार्मोन भी बनाता है। इंजाइम जो होता है पाचन में हेल्प करता है, मतलब इसमें जाता है, ये जो जा रहा है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो इंजाइम जा रहा है यहाँ पर। और एक हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण है? तो आप सुनते ही, इबोला वायरस, इबोला वायरस, इबोला वायरस, तो इबोला क्या चीज़ है? वायरस, विषाणु से। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी का कवक के कारण पैदा होता है? तो कवक मतलब फन से कारण कौन सा होता है? दाद होता है, इसको अर्थवर्म बोला जाता है, ये चकता की तरह होता है, लाल लाल हो जाएगा कुछ जगह। ये मतलब रिंग की तरह होता है लाल लाल, तो रिंग वर्म बोलते हैं इसको, दाद को रिंग वर्म बोलते हैं, ये रिंग की तरह हो जाता है दाद, दाद एक छोटा सा एरिया में पूरा तरह तरह का हो जाएगा लाल लाल। पृथ्वी पर मौजूद, 59वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो ये है आपका, ये ए बिसल कोन पाइन। 60वां क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करे? तो एंटीजिन ना हमारे बॉडी में होना चाहिए, जिससे एंटीबॉडी बनती है और हमारी जो इम्यूनिटी है बढ़ती है ना। 56वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपीज है, कहाँ होता है? ये कान में होता है। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। 63वां है, मनुष्य जाति के लिए एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके कहाँ से मिलते हैं? तो माता से मिलते हैं। एक्स जो शुक्राणु होता है ना, माता के अंदर होता है, जो जैसे सेक्स का निर्धारण करने के लिए कैसे होता है, पिता होता है, क्योंकि पिता वाई देता है, है ना, वाई देता है, तो एक्स वाई एक बच्चे में होता है एक्स वाई, तो एक्स एक लड़की में एक्स वाई होता है, तो एक्स आता है माँ से और वाई आता है आपके उसके पिता से, और वाई जो आता है तो डिसाइड होता है कि लड़का बनेगा कि लड़की बने, वाई से लड़की होती है ना। तो कौन सी जीवन प्रक्रिया, 64 क्वेश्चन है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो ये श्वसन होता है ना, सांस लेते तो क्या होता है इसमें ATP फॉर्मेशन होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है ATP, 36 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको क्या मिला है, एनर्जी मिल रहा है, मतलब ये एनर्जी ठीक है, एनर्जी में कुछ मिल रहा है ना, एनर्जी ऊर्जा मिल रही है ना, तो उसने ऊर्जा आई है, तो इसीलिए श्वसन में ऐसा हो रहा है आपका। ऐसा क्वेश्चन है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज कहा जाता है? जो अंडे देते हैं, जो अंडा देता है उसको बोला जाता है अंडज। 40वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है, वह एक परत बनाते हैं, उसे बोला जाता है ओजोन, O3 बोला जाता है, ये मेनली स्ट्रेटोस्फेयर जिसको आपका समताप मंडल बोला जाता है ना, एकदम ताप मंडल, जिसमें आपका मेनली एरोप्लेन सब जो उड़ता है ना, हवाई जहाज, इसी यहीं पर उड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर, और वहीं पर ओजोन, ओजोन भी सब है, और ओजोन मेनली वहीं पर है, और इसी का डिप्लीशन के जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है आजकल चल रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है ना, इसी के ख़त्म होने के कारण इसमें होल आ गया, क्योंकि क्लोरीन सब जाके इससे रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन O3 नहीं रहता, ऑक्सीजन टूट के ऑक्सीजन प्लस O- O+ ऐसे कुछ बन जाता है।
और यूवी रे के कारण भी ये ऑक्सीजन O3 हमेशा टूटता रहता है, जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे ना उससे भी टूटता रहता है और वो फिर से जुटता रहता है, तो उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं होता। पर हम जो भेज रहे हैं ना तरह तरह क्लोरीन जो यूज़ कर रहे हैं तरह तरह के आइटम में, उसके कारण ये ओजोन का ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे और हमारे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। सड़सठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। सभी मौसमी परिवर्तन आपके देखिए, आयन मंडल तो आयन में हो जाएगा, उसमें उसमें तो आपका मतलब नहीं है आयन मंडल से, तो ये होता है क्षोभ मंडल में होता है मेनली, जो आपका एकदम हम लोग के बगल में है, क्योंकि वहीं पे मेनली एटमोसफेयर है, ट्रोपोस्फेयर में ही, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल में ही आपका एटमोसफेयर है मेनली, मतलब तरह तरह गैस वैसे, तो इसके कारण ही मेनली समझिए मौसम परिवर्तन हो रहा है। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में देखिए किस खगोलीय पिंड का सैरन चैरन नामक प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो प्लूटो है, खगोलीय पिंड रहा, अब ये प्लानट नहीं बचा। अब टोटल कितने प्लानट हो गए, 8 प्लानट हो गए, 8 है ना, सन के अराउंड 8 घूम रहा, प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक, 69वां क्वेश्चन, वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत होती है, तो वो बात सही है। और किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत, देखिए तो झाड़ियाँ और शाख जो होता है ना, एक शाख ये भी होता है, ये मिलाकर मतलब निचली परत बोल सकते हैं, पर मेनली जो शाख को निचली परत बोला जाता है, झाड़ियों को नहीं, शाख को निचली परत बोला जाता है। ये आंसर सही गलत हो जाएगा। सी है, वन जलवायु में जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, जो वाटर साइकिल है, पानी का एवेपोरेट होना, फिर बादल बनना, फिर बरस जाना, और वायु की गुणवत्ता मतलब एयर पोल्यूशन, तो वन जलवायु से पता चलता है। बिल्कुल आप सही जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहा है कि पेड़ काट दिया तो पानी नहीं होगा, है ना, तो जल चक्र देख सकते हैं, सबको पता है। वन मृदा का अपरदन रोकते हैं, बिल्कुल, सॉइल इरोजन को रोका जाता है ट्री के द्वारा, पेड़ों के द्वारा। और हमारे यहाँ आपको बता देता, तो इसमें से मेन चीज़ है हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय, हमारे यहाँ मेनली मतलब सीजन है, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार बंद हमारे यानी सत्तर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास छः क्या, तो छः याद कर लीजिए पानी से रिलेटेड है, वाटर, पानी आ गया, सभी के लिए पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित, तो ये पानी के लिए है ना। 71वां क्वेश्चन, ग्राफिया क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, लिखने की क्षमता ना बहुत ही खत्म हो जाती है, लिख नहीं पाता आदमी ग्राफिया में। 72वां क्वेश्चन, दो वस्तुओं का समान द्रव्यमान कहलाते हैं यदि उसका इनर्शिया, इनर्शिया को बोला जाता है जड़त्व, अगर दो आदमी का सेम जड़त्व है तो उसका मतलब मास सेम है। 73वां क्वेश्चन है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है ना। 74वां क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, तो किसके दांत नहीं होते ये पता होना चाहिए आपको, उसके अलावा कोई उपाय नहीं इस क्वेश्चन का, तो कछुए के नहीं होता है ना। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, आपको पता होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था, इसका आंसर सी है, और जिसका फॉर्मूला होता है H3CN ट्रिपल बॉन्ड सी, इस पर आ जाता है प्लस और इस पर होता है माइनस, ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला, इसमें कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन होता है ना। 76वां क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो ये मनुची आया था भारत शाहजहां के काल में। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई, तो ये था आपका कॉर्नवालिस। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बाजार ऋणदाता ट्रेजरी बिल RBI की निर्गत विशेष प्रतिभूतियां सिक्योरिटी बिल, जिसको नॉर्मली GSEC भी बोला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल, तो ये आंतरिक ऋण के घटक के लिए मतलब आपको ऋण से रिलेटेड कौन सा चीज़ है इसमें, तो 1, 2, 3 कौन कौन सा, तो देखिए एक तो होता है आपको सरकार को अगर पैसा चाहिए तो क्या करे, ऋण लेना है उसको मान लीजिए, तो क्या कर सकता है, डायरेक्टली ऋण ले लेता है किसी से भी बाजार। ट्रेजरी बिल इशू करता है, मतलब कुछ बिल इशू कर देगा, लीजिए एक कागज़ का आपको थमा देगा, लीजिए
द एग्रीमेंट कर लेगा, लीजिए कागज का बिल हमको पैसा दे दीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें क्या आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एक होता है निर्गमित विशेष, ये क्या आरबीआई करती है, आरबीआई निकालती है गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई अपने रिस्क पे निकालती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका एक अलग डिमांड होता है। पशु और पक्षी, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, ये है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होता है। अब देख रहे हैं हम लोग यहीं पे आते हैं, हम लोग ना उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, हम हमारे देश में यही है मेनली, अगर हमारे यहाँ कौन सा वन बोलेगा तो हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, देखिए लॉर्ड लिटन का तो दिल्ली दरबार 1877-74 ऐसे कुछ हुआ था, ये भी संताल विद्रोह हमारा 1857 में हुआ था, सॉरी 1855-56 में हुआ था, ये संताल विद्रोह 1855-56 मतलब 1857 की लड़ाई के जस्ट पहले हुआ था, ये झारखंड वन के क्षेत्र में था, बिहार में भी कुछ जगह थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था 1845-46 में। और एल्बर्ट बिल भी आया था आपका 1883 में। इस बिल में क्या था, मतलब कोई बहुत भले आदमी थे एडवर्ड बिल साहब, इन्होंने यही बोल दिया था कि जो पहले क्या था कि इंडियन का मतलब कि जो यूरोपियन लोग गलती करते थे हमारे देश में, उसका केस इंडियन लोग नहीं लड़ सकते थे, उसका केस या मतलब उस उनके खिलाफ गुनाह भी अगर सुनाना तो कोई यूरोपियन जज ही सुनाएगा, पर इन्होंने एक तरह से लिबरल आया, इन्होंने बहुत ही सहूलियत दे दी कि अब इंडियन भी जज है तो वो भी एक यूरोपियन गुनाहगार के खिलाफ में अपना सुना सकता है फैसला। तो यही सब इसमें था और बाद में यह बंद भी हो गया, एडवर्ड बिल को खालिज करना पड़ा। 81वां क्वेश्चन है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये देखिए पावरपुरी में, और ये मिलनी आपके महावीर भगवान के लिए समर्पित है। 42वां क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया, तो ये अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, और यहीं से हमारा मेनली मिसाइल विसाइल जो टेस्टिंग होता है, मिसाइल यूसीरो वाला नहीं डीआरडीओ वाला, यहीं पे होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, देखिए आपने इम्पोर्ट किया, ये ऑप्शन देखिए आयात पर अधिक कर और निर्यात पर अधिक कर, इस तो देखिए आयात पर आपने अधिक कर लगा दिया तो क्या होगा आपको पता है, लोग आपको सामान भेजना नहीं चाहेंगे, ठीक, जिसके कारण क्या होगा आपको डॉलर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ये फायदा हो जाएगा। आयात पर अधिक कर कोई टैक्स टैक्स बढ़ाने से क्या होता है, लोग जल्दी वहाँ आते नहीं है, तो इससे क्या होगा आयात ही कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा तो टैक्स ज़्यादा नहीं, मतलब कि आपको डॉलर ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, जब वो आएगा सामान लेके ना आपके सी पोर्ट पे मतलब बंदरगाह पे, तो आपको उसको डॉलर में थपाना होगा, वो लेके डॉलर चला जाएगा जिसके कारण आपका संतुलन बिगड़ जाएगा, डॉलर खर्च हो जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना, तो इसलिए आयात पर अगर अधिक कर लगाएंगे तो हमको फायदा है, आयात हमारा कम हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए इसके घाटे भी है कि आयात कम हो जाएगा जिसके कारण आपको सामान नहीं मिलेगा आपके देश में, तो ये भी तो दिक्कत है, बिल्कुल ये अलग दिक्कत है, ठीक है, मगर एक संतुलन तो बना सकते हैं ना, हम ये नहीं देश के अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं कर, हम बस भुगतान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और निर्यात पर अधिक कर लगाने से क्या होगा, लोग बाहर नहीं भेजेंगे, अब लोग बाहर नहीं भेजेंगे ज़्यादा सामान, अंदर में ही सब भेज देंगे जिसके कारण आपको भुगतान में मतलब ठीक रहेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। हुमायूं नामे की रचना किसने की थी, इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने किया था, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1664 में। 87वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा, लुम्बिनी, जो कि अभी प्रधानमंत्री वहाँ गए थे नेपाल में, और इन्होंने 88वां क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह सन कब शुरू किया, 1930 में शुरू किया गया था, डांडी मार्च इसी से रिलेटेड, नमक सत्याग्रह मतलब डांडी मार्च 12 अप्रैल को शुरू किया गया था, 12 मार्च को शुरू किया गया था और 6 अप्रैल तक चला था, ये टोटल 24 दिन।
यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डिरोजियो, ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर थे। प्रोफेसर बोलिए, टीचर बोलना, जो बोलना है बोलिए। तो डिरोजियो साहब थे। मॉडले मिंटो फ्लोर किस रिफॉर्म कब आया था? ये आया था 1909 में, और इसने क्या किया था? मुस्लिम लोगों को अलग वोटिंग अधिकार दे दिया था, है ना, आज की तरह नहीं, उस समय मुस्लिम लोग अलग ही हो गया था, मतलब मुस्लिम लोग मुस्लिम वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। 91वां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये थे गात्रिक। महावीर मतलब जैन धर्म वाले, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। 23वें थे तो पार्श्वनाथ है झारखंड के। 92वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया था? तो ये था आपका 1978। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये आपका 44वां अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था उस समय, और मूल अधिकार हटा के कहाँ रख दिया गया था? 300A आर्टिकल में रख दिया गया था। पहले फंडामेंटल मौलिक अधिकार था, उसके बाद बन गया लॉ का, मतलब नॉर्मल अधिकार हो गया। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो याद कर लीजिए, वो जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। 94वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्ष है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र, बिल्कुल डेमोक्रेसी है हमारे, और हमारे यहाँ पार्लियामेंट सब है ना, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। 95वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाए तो उसे प्रत्येक 6 महीने बाद संसद का अनुमोदन करना आवश्यक होता, मतलब आज कर दिया संसद तो फिर अगला अगर उसको और लगातार रखना है तो उसको 6 महीने के बाद फिर से उसको संसद में फिर से पास कराना होगा कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें 96 में आपको करना है, देखिए आर्टिकल नंबर, आर्टिकल है इधर और इधर है विषय, तो 5 नंबर है ना हमारे नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। 124 है हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, है ना, 124 सुप्रीम कोर्ट मतलब संघीय न्यायपालिका से रिलेटेड है, और 214 ना है, इसका थोड़ा सा उल्टा कीजिए, पहला दूसरा उल्टा कीजिए, 214 ये हमारे स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं ना उससे रिलेटेड है, और 252 इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो सुनते हैं ना 1977 में इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, वही ये इमरजेंसी है 252। उसके बाद आता है 256 आता है, जो कि हमारे स्टेट में लगता है प्रेसिडेंस रूल, मतलब कि सरकार गिरा दिया और प्रेसिडेंस रूल बोलते हैं, जिसका गवर्नर मेन हेड हो जाता है, तो ये 256 होता है। एक होता है 360, जो कि नॉर्मली आज तक नहीं लगा है हमारे देश में, जो फाइनेंशियल होता है, मतलब सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं कि देश को चला सके, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि पहला का तीसरा है, दूसरा का चौथा है, और इसका पहला है, और 245 का विधायी शक्ति यूनियन का जो पावर है ना उसके बारे में 245 में चर्चा। वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर? तो आपको पता ही होगा, नीचे में जो है क्या है, कोई जगह है, इधर में आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर में अरबियन सी है, महासागर है, और नीचे इंडियन ओशन है, ठीक, भारतीय मतलब इंडियन समुद्र है। तो तीनों में सबसे नीचे कौन सा? कोलकाता देखिए इधर आता है, इंदिरा पॉइंट है इधर, इंदिरा पॉइंट है आपका इधर, इंदिरा पॉइंट इधर है, कन्याकुमारी इधर है, और लक्षद्वीप इधर आता है। और लक्षद्वीप आपका इधर आता है ना, यहाँ पे पुडुचेरी आता है, पुडुचेरी लक्षद्वीप इधर आता है, तो नीचे में सबसे कौन सा हो गया? कन्याकुमारी। तो 97वां क्वेश्चन है, वो कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन से बनती है? तो देख लीजिए, ये हमारा देश है, इंदिरा पॉइंट इधर आता है, और लक्षद्वीप आपका इधर आता है, कोलकाता तो यहाँ आता है, और कन्याकुमारी नीचे आता है, और 3 समुद्र मतलब क्या हो गया? इधर क्या बंगाल की खाड़ी है, बहुत सारे पानी है, पानी पानी, अरबियन सी है इधर, नीचे में इंडियन ओशन है, तो तीनों कहाँ पे मिल रहा है? एक तरह से यहाँ पे मिल रहा है, यह कन्याकुमारी है, आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये हमारे महाराष्ट्र में है। इसमें 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन नहीं है, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं होगा? तो कोयला आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना,
इसको फिर से नया नहीं करें, एक बार यूज़ कीजिए ख़त्म कर। किसको पार कर लेने पर एक दिन गुजर जाता था, तो उस लाइन को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये होता है 180 देश देशांतर पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब इधर से इधर। एक इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अच्छी बात बताता हूँ, खास बात इंटरनेशनल डेट लाइन। तो एक साइड में ना रसिया है, एक साइड में अमेरिका का अलास्का है, इसके बीच में लगभग 30-40-50 किलोमीटर मुश्किल से फर्क है। तो एक ये ऐसा जगह है जो सबसे कम डिस्टेंस में आता है, जिसमें एक साइड से दूसरे साइड में जाइएगा ना तो एक दिन का आपको फर्क मिल जाएगा। इससे नज़दीक कोई दुनिया में जगह नहीं है, प्रोमिनेंट जगह, जहाँ पे आपको एक दूसरे से, मतलब आपको एक दिन का फर्क कौन से जगह के बीच में आएगा, रसिया और अलास्का, मतलब यूएसए के बीच में, मतलब एक दिन में आप इधर से उधर चले जाएगा, आपको लगेगा। मतलब आप 30 किलोमीटर चलिएगा ना, मतलब समझ 30 किलोमीटर चलने में समझिए कितना समय लगेगा, मुश्किल से 2 घंटा चलिएगा तो आपका एक दिन बीत जाएगा, क्योंकि बगल बगल में दोनों। तो इसका आंसर डी था ना, 100 का आंसर डी था। 101वां है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको, इस ग्रह को, और सुबह का तारा और शाम का तारा, क्योंकि सुबह में सूर्य भगवान के उगने से पहले जो दिखता है ना ये शुक्र ही होता है, और शाम में मतलब डूबने के बाद जो दिखता है ये मेनली यही होता है, शुक्र होता है, इसको वेनस है। और ये चमकीला ग्रह था, और सबसे चमकीला अगर तारा बोले ना, तारा तो सीरीज ए बोलिएगा उसको, सीरीज ए चमकीला तारा। 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को सहाद्री पर्वतमाला, मेरा देश है ऐसे ऐसे ऐसे, ये गुजरात है ऐसा, ये वेस्टर्न घाट है ना, पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट, कोंकण रेंज इधर है, महाराष्ट्र है, गोवा है उधर, उसको ही सहाद्री पर्वतमाला में बोला जाता है। 103वां क्वेश्चन है, चारागाह को पंपस कहाँ कहा जाता है। तो ये देखिए पंपस जो है ना वो कैंपस है, पंपस है, कैंपस है, और कैंपस क्या होता है, कैंपस आपका एक जूता का नाम है, और जूता बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, पैर यूज करने वाले कौन, फुटबॉलर लोग होते हैं, और फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर लोग कहाँ मिलता है, वो ब्राज़ील में मिलता है, और ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका, ये दक्षिण अफ्रीका और ये उत्तरी अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा जैसे देश है, तो समझ इस तरह से याद कर सकते, पंपस कैंपस दोनों, ठीक। उसके अलावा और भी है, लेनोस है, ठीक है उसको छोड़िए, पंपस कैंपस दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही आपको ब्राज़ील जैसा देश मिलता है, और ब्राज़ील फुटबॉलर बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। 20 व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1995। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इंग्लैंड में। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी, ये अमेरिका में हुई थी। एक अर्थव्यवस्था का सीजन होता है सभी से, प्राकृतिक नेचुरल क्या है वहाँ पे, मानवीय संसाधन क्या है, भौतिकी संसाधन क्या है। 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है। तो आर्थिक वृद्धि जो होता है ना, हमारे अमर सेन साहब ने एक किया था कि इंसान पर भी डिपेंड करता है, इंसान वाकई में कितना कमा रहा है, उसकी कैसी हेल्थ है, और वो कितना जी रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा इनकम उसको बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम, यही है आर्थिक वृद्धि का परिचालक। 109वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को मुख्य कितने भाग में, तो ये तीन है, एक होता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। हमारे देश में कौन सा है मेनली, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी लोग, मतलब जिसमें सरकारी लोग बहुत कम ही मिलेगा आपको, है ना, सरकारी लोग बहुत कम कहाँ मिलते हैं, ये आपके अमेरिका जैसे देश में, वहाँ पर बहुत कम ही चीज़, मतलब डिफेंस का जो चीज़ है ना, बस देश की रक्षा से रिलेटेड चीज़ सब बस मिलनी आपको सरकारी मिलेगा, नहीं तो बहुत ही कम इधर उधर सरकारी मिलेगा। हमारे देश में देखिए हर चीज़ का कंपनी है सरकारी, हर चीज़ का, टेलीकॉम कंपनी है, हर स्टील की कंपनी है, अपनी भी सबकी सरकारी कंपनी है, इसीलिए हम मिक्स हैं, सरकारी और प्राइवेट तो है ही, प्राइवेट भी स्टील की कंपनी है, जिंदल स्टील जैसे बहुत सारी है, इसलिए हमारे देश में मिक्स्ड है। एक होता है सोशलिस्ट,
मेनली चाइना जैसे देश सब है ना, सोशली चाइना और इधर रशिया जैसे देश, जहाँ पे अधिकतर मतलब 90% समझिए सरकारी है, पूरी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। 110वां है, अभय माइका किस राज्य में वो आयात में पाया जाता है, तो वो है हमारा झारखंड। 111वां क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, तो ये आपका हमारा देश है और यह गुजरात है, और यहाँ पे देखिए विंध्या रेंज होता है और इसके नीचे होता है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा के नाम पे आपके मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विंध्या रेंज जो है ना यहाँ पे, ये भी इसमें भी मध्य प्रदेश आते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं, और हमें कहने का क्या मतलब है, विंध्या रेंज उत्तर नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करता है। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है, तो ये संसद का है, संसद पूरी तरह से स्वतंत्र संप्रभु होना चाहिए। 113वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद 1 महीने के अवधि के भीतर अनुमोदन ना कर दे, मतलब आज लगा दिया आपातकाल, उसके 1 महीने के अंदर वो आपातकाल से रिलेटेड बिल पास होना चाहिए, हो जाना चाहिए आपके संसद में। 114वां क्वेश्चन है, मई 2023 में चीन ने किस देश को हराकर प्रतिष्ठित टूर्नामेंट सुधीरमन कप जीता था, ये साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया है, और ये सुधीरमन कप किससे रिलेटेड, बहुत पॉपुलर गेम है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है सुधीरमन कप। 115वां क्वेश्चन है, 16वां आईपीएल संस्करण मतलब इस साल जो हुआ था ना 2023, वो किसने जीता था, ये जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, किसको हरा दिया था, गुजरात टाइटंस को। 116वां है, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो वो थे आपके पसांग दावा, दावा करने वाले शेरपा। 117वां क्वेश्चन है, मई 2023 में त्रिपुरा में टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो ये मई के है, मतलब ये हो सकता है कल क्वेश्चन पूछे तो बदल जाए, तो ये उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मई में सौरव गांगुली थे, हो सकता है चेंज कर जाए। 118वां क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये थे नारायण बागुल। 119वां क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 पालमा डी और अवार्ड, ये कांस फिल्म किससे रिलेटेड, फ्रांस से रिलेटेड है, इसके विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ द फॉल के निर्देशक कौन थे, ये थे जस्टिन ट्रॉइट, एनाटॉमी ऑफ द ऑफ ए फॉल जस्टिन ट्रॉल इसके निर्देशक थे, कांस फेस्टिवल से रिलेटेड है। और 120वां क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया था, ये मनाया गया जाता है हर एक साल 31 मई को, और इस साल का इसका थीम था वी नीड फूड नॉट टबैको, मतलब कि हमें भोजन जरूरी है तंबाकू नहीं। ये थे आपके टोटल जीएस पार्ट टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्लेटफॉर्म का, मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं इससे पहले दूसरे वीडियो में, उसका लिंक नीचे में, उसको जाकर देख सकते हैं। अगर इस वाले में जीएस पार्ट में आपको कुछ दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ याद करने में प्रॉब्लम, तो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और जाने से पहले यही बोलूँगा, इसको शेयर कर दीजिए अगर आप तक शेयर नहीं किया अभी तक, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसको।